पार्टी ने किया और हमें जब मौका मिला तब दलित घर के गरीब बेटे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसका परिणाम देखे आज देश भर में सबसे ज्यादा एससी विधायक और एससी सांसद अगर किसी एक पार्टी के है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के। माताओं भाइयों बहनों, 2014 के बजट में 1100 करोड़ रुपया दलितों के कल्याण के लिए था, हमने 6000 करोड़ किया। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप 2,00,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को दी, 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा अनुसूचित जाति के छात्रों को 59,000 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अभी अभी शिवराज जी ने लाडली लक्ष्मी योजना बहनों के लिए चालू की और नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण बहनों को विधानसभा और लोकसभा में देकर मातृशक्ति का सम्मान किया। मुझे बता परेरा वालों, ये चंद्रयान जब चंद्र पर उतर रहा था टीवी पर देखकर आनंद होता था या नहीं होता था? जरा जोर से बोलो, होता था या नहीं होता था? चंद्रयान जहां उतरा वहां शिव शक्ति स्पॉट देने से हमारा दिल गौरव से भरा है या नहीं भरा है? मोदी जी नई संसद में सेंगोल स्थापित करते हैं, हमारा मन गौरव से भरता है या नहीं भरता है? नई संसद बनाई, G20 में सारे दुनिया के प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों ने भारत का महिमा मंडन किया, मोदी जी का वखान किया और मोदी जी के साथ एक पंक्ति में रहकर हमारे राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने का काम G20 में हुआ है। भारत को गौरव दिलाने का काम मोदी जी ने किया है और कांग्रेस पार्टी ने हर बात का विरोध किया। जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके करते थे, मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते थे, मौनी बाबा की जिबान सिली हुई रहती थी। फिर मोदी जी की सरकार आई, आपने ढेर सारी सीटें बढ़ाई, मोदी जी की झोली में डाली, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पुलवामा और उरी में पाकिस्तान ने गलती कर दी, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताओ करेला वालों, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अरे जोर से बोले, कश्मीर हमारा है या नहीं है? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी एक अनोरस संतान की तरह धारा 370 को अपनी गोदी में खिलाने का काम करती थी। मोदी जी ने एक दिन 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा बना दिया। और उस वक्त एक कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को, अच्छे से जानते हो ना, ये राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए, बड़ा भूचाल आएगा। हमने पूछा क्या आएगा भाई, तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, धारा 370 हट गई, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर उठाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकर ये नरेंद्र मोदी सरकार
देश को सुरक्षित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ माताओं, भाई और बहनों, अयोध्या में जहां श्री राम का जन्म हुआ था वहां मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो। एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से मंदिर के प्रश्न को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह चुपचाप जाकर वहां भूमि पूजन किया और मैं तो निमंत्रण देने आया हुआ 20 जनवरी को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। जवाब देना चाहता हूं, 2019 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। राहुल बाबा पूरे देश में गदर मचाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अब राहुल बाबा कान खोल कर तिथि सुन लो, 22 जनवरी 2024 को दोपहर के 12:30 बजे रामलला प्रस्तापित होने वाले। भाई भाई और बहनों, सिर्फ अयोध्या मंदिर नहीं, उज्जैन में महाकाल लोक बना, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है और इसके साथ साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ की भी पुनरोद्धार करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने योगा को और आयुर्वेद को पूरी दुनिया में पहुंचाकर भारतीय संस्कृति के ध्वज को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। माताओं, भाई और बहनों, भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी को आगे कर रही है। मैं आज यहां कहना आ रहा हूं, कमलनाथ 1.5 साल आ गए किया मध्य प्रदेश में स्थापित की। आप बोलोगे कि नहीं किए, ऐसा नहीं है भाई, कुछ तो उन्होंने किया है। मध्य प्रदेश में कमीशन खोरी का उद्योग स्थापित किया, मध्य प्रदेश में ट्रांसफर इंडस्ट्री लगाने का काम किया, बेटा दामादों के कल्याण का उद्योग स्थापित किया और भ्रष्टाचार की इंडस्ट्री लगाने का काम कमलनाथ ने किया। मित्रों, शिवराज जी ने चालू की हुई 51 से ज्यादा गरीब कल्याण योजनाएं बंद की। मुझे मालूम है कमलनाथ आने वाले नहीं है, मगर भगवान न करे कमलनाथ आ गया तो लाडली बहना भी बंद हो जाएगी और किसानों को 12,000 रुपया मिलना भी बंद हो जाएगा। मुझे बताओ, कमलनाथ जी को लाना चाहिए क्या? लाना चाहिए क्या? 350 करोड़ का मेजर बोयर घोटाला किया, 2400 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड में नाम आया, 600 करोड़ का इफ्को का घोटाला किया और 25,000 करोड़ की कर्ज माफी का घोटाला एक कमलनाथ ने किया। कमलनाथ, इतनी आयु हो गई, अभी पेट भरा नहीं है क्या? क्या करना है भाई?